तो हमारा एसोसिएशन जो बना है उसमें डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी हमने पहले ही डाला है एडसी में. देखिए कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं, तो वो 6 राइट्स आप बिल्कुल रख लीजिएगा, पढ़ लीजिए. जैसे आज आपने 12 बजे से क्लास में इतना शांत से बैठे हैं आप, है वैसे ही उनको देख लीजिए. कंज्यूमर कभी आपसे नाराज नहीं होना चाहिए. 6 राइट्स हैं, 6 में कुछ आपके हाथ में है, कुछ एक राइट सरकार के हाथ में है, बाकी सब आपके हाथ में है. और मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है 2016 में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी होने के बाद, डायरेक्ट सेलर्स के संपर्क में आने के बाद, मैंने जो देखा है कि आपसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलर से ज्यादा कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करने वाली और कोई बिजनेस नहीं है, और कोई बिजनेस नहीं है जो डायरेक्ट सेलर, क्योंकि उसमें एक है हियरिंग, मतलब आप सुनिएगा कंज्यूमर की बात सुनने के लिए. आप तो कंज्यूमर के पास जाते हो तो आप सबसे पहले हाजिर हो कंज्यूमर की बात सुनने को, है ना. और अगर जो जो लोग इनडायरेक्ट रिटेल करते हैं तो दुकानदार तो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं पता किसने बनाया है, मुझे नहीं पता, मैं कंपनी को वापस भेज दूंगा, आप दे जाओ मुझे, है पैसा तब ले जाना जब मुझे पैसा मिलेगा. आप ऐसा नहीं करते हो तो हियरिंग का आपका और अवेयरनेस का, कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है, अवेयर करना, आपसे ज्यादा कौन जानता है. तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग तो बिल्कुल मार्केटिंग का, रिटेल मार्केटिंग का सबसे बड़ा हुनर है, और ये हुनर सबको नहीं आता है. आपके आपके साथ जो लोग सोचते हैं कि हम रातों रात पैसा बनाएंगे और वो मेहनत करना नहीं जानते हैं, वो रिलेशनशिप बनाना नहीं जानते हैं, वो दूसरे दिन भाग जाते हैं और आपके सबसे बड़े बैड एम्बेसडर बनते हैं, तो उन लोगों से सावधान रहिएगा. और अगर कोई ऐसा साथी आपके साथ आ रहा है, उसको आता है, तो उसको पहले से ही बता दीजिएगा कि ये बहुत कठिन व्यापार है भाई, ये संपर्क बनाना, रिश्ता बनाना. आप लोगों को तो पता ही है, जो मियां बीवी है उनको पता है कि रिश्ता बनाना और उसको सस्टेन रखना कितना कठिन होता है. तो आपकी बीवी तो यहाँ पर, या स्पाउस जो है यहाँ पर कंज्यूमर है, डायरेक्ट सेलर का स्पाउस कौन है, कंज्यूमर है. तो उसके साथ रिश्ता हमेशा बनाए रखना है, और उसके लिए जो पंच तत्व है, और हमारे पंच के 50 हो जाएंगे. हमारे देश में अभी 40-50 कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की जो ठीक ठाक काम कर रही है ना. थोड़ा ऊंचा नीचा होगा जैसे और बिजनेसेस में होता है, थोड़ा ऊंचा. ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में सर्वगुण संपन्न होगा, ऐसा नहीं है, है ना. क्योंकि और भी बिजनेसेस हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा खोट निकल जाता है, तो थोड़ा होता है, उसको बैलेंस करके ठीक किया जाता है. और इसके लिए गाइडलाइन भी बन गई है.